हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्ज़ाम में। दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक और नई फेलोशिप की जानकारी लेकर, जिसका नोटिफिकेशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से आ रहा है। दोस्तों, हम जानेंगे इसमें कैसे अप्लाई करना है, कब लास्ट डेट है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कितना स्टिपेंड मिलने वाला है और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इस एडवर्टीज़मेंट के बारे में। दोस्तों, ये जो एडवर्टीज़मेंट है, एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से इसे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो एप्लीकेशन मांगी गई है वो रिसर्च एसोसिएट के पोस्ट के लिए यहाँ आवेदन पत्र मांगा गया है। दोस्तों, ये एक फेलोशिप है। यहाँ पे दोस्तों आपको जो अमाउंट मिलने वाला है पर मंथ, वो 47,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है, प्लस HRA इसमें आपका शामिल होगा जो गवर्नमेंट के अनुसार मिलता है। दोस्तों, ये आपके रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है और यहाँ पे 47,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे, ये जो दोस्तों आपका प्रोजेक्ट है उसका जो टाइटल है क्लिनिकल इफेक्ट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मुलेशन और दोस्तों यहाँ पे इन COVID-19 पेशेंट, ये दोस्तों आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है, आप ये देख सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट का टाइटल दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर इन टाइटल क्लिनिकल इफेक्ट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मुलेशन। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ प्लांट के नेम दिए गए हैं और ये इन COVID-19 पेशेंट्स के ऊपर इसका इफेक्ट देखा जाएगा, क्या है क्लिनिकल इफेक्ट, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप इस टाइटल को आप रीड कर लीजिएगा, अगर आप चाहें तो इस टाइटल को आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, जो आप प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये स्पॉन्सर्ड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसे स्पॉन्सर्ड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इसे स्पॉन्सर्ड किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें बात करेंगे, इसके जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं वो प्रोफेसर KN द्विवेदी जी हैं। इसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर KN द्विवेदी जी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्यगुण फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद के जो इसके दोस्तों इस प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी इंडिया की तरफ से दोस्तों आपका प्रोजेक्ट है। दोस्तों, जो आपका प्रोजेक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से इसे स्पॉन्सर्ड किया गया है। इसे KN द्विवेदी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्यगुण है, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा है। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी इसका जो इंस्टीट्यूट है ये है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की, इसके अलावा दोस्तों इस पोस्ट का आधार की बात, जो आपकी पोस्ट रहेगी वो टेम्परेरी पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे दोस्तों आपको ये टेम्परेरी है, परमानेंट आपकी जॉब नहीं है, टेम्परेरी पोस्ट आपकी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं, यहाँ पे कैंडिडेट्स के पास PhD डिग्री होनी बॉटनी में, जूलॉजी में या फिर एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विथ 60% मार्क्स दोस्तों आपके होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 60% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री में, और इसके अलावा दोस्तों आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए बॉटनी में हो, फिर या जूलॉजी में हो, या फिर कोई भी बायोलॉजिकल साइंस की ब्रांच से आपके पास PhD डिग्री होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे बताया गया कि आपके पास नेट या फिर गेट एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया हो। तो दोस्तों, आपके पास अगर नेट है और गेट आप क्वालिफाई हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, यहाँ पे वरीयता उन्हीं कैंडिडेट्स को दी जाएगी जो सिमिलर वर्क साइंस इसी फील्ड से वर्क पे उन्होंने कार्य किया होगा, उनको यहाँ पे ज़्यादा मतलब वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पे एज की बात की गई है, तो यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है यहाँ पे दोस्तों वो 40 ईयर है, यानी यहाँ पे 40 साल एज का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा दो दोस्त हमारे SC ST कैंडिडेट हैं या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाएगी दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस की, तो जो भी आपके दोस्तों अगर आपके पास फाइटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ज़्यादा नॉलेज है, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल, फार्मुलेशन ऑफ ड्रग्स, सेल कल्चर टॉक्सिसिटी स्टडी, इनके अंतर्गत अगर आपके पास दोस्तों नॉलेज है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, अगर आपको इस फॉर्म में इंटरेस्टेड हैं और आप इसे भरना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस अप्लीकेशन को प्लेन पेपर पर एक अपना नाम, परमानेंट एड्रेस, करस्पोंडेंस एड्रेस, नेम, फादर्स नेम और दोस्तों इसके अलावा मदर्स नेम, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस स्टार्टिंग फ्राम हाई स्कूल, और दोस्तों इसके अलावा आप इन सभी जितने भी आपके क्वालिफिकेशंस हैं इनको सेल्फ आर्टेस्ट करके इनको दोस्तों आप एक उसी फॉर्म में लगा करके, सर्टिफिकेट डिटेल्स, रिसर्च जो जितने आपने पब्लिश किए हों, इसके अलावा SI इंडेक्स जो भी आपकी है एटलीस्ट 1 तो आपके पास होनी ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों आपको एक्सपीरियंस अगर जितना है उस एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स आपको लगा करके विथ इन 21 डेज़,
दोस्तों जो जिस डेट में ये फॉर्म निकला है इस डेट्स के 21 डेज के अंदर आपको इस फॉर्म को भर के वहाँ सबमिट करना है। दोस्तों आपको सबमिट जो करना है करेंगे यहाँ पे आपको दोस्तों 21 डेज के अंतर्गत अंदर आपको इस फॉर्म को भेजना है। आपको इस 21 डेज के अंदर आपको इस फॉर्म को भेजना है दोस्तों एडवर्टीजमेंट ऑफ द ऑफिस प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर के एन द्विवेदी डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्यगुण फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से विजिट करके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे और भी एक पॉइंट बताया गया है कि आपको किसी भी प्रकार का TADA यहां पे नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर जानकारी दी जाएगी या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो जानकारी दी जाएगी वो आपको ईमेल के थ्रू दे दी जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ अगर दोस्तों आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं, इस ईमेल पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप ऑफिशियल साइट पर विजिट करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। दोस्तों अगर आपको नई जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि ऐसी ही वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।